आज है लास्ट डे श्रीनगर में, शाम की फ्लाइट है और मैं निकला हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग राइड में इस बीस्ट को लेके। मज़ा आ रहा है डल लेक के किनारे किनारे चलने में। यह कुछ मॉर्निंग व्यू। ठंडा वॉक है तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ, ग्लव्स ग्लव्स उतारा हुआ है साथ का, हेलमेट मंडाना सब लगा के आए। वो मज़ा आ रहा है काफ़ी, हैपनिंग्स है, लोग जा रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं और जैसे कि एक छोटी वाली बोट पे ऐसे रिवर क्रॉस करते हैं, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी होती है पर्सनल। लेट्स कॉल इट अ ट्रिप और हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी 1 बज रहा है डाकघर वहाँ, लेकिन हम सब रेडी हैं जाने के लिए। डेढ़ किलोमीटर पहले होती है पहले चेकिंग और अब यहाँ पे बोर्डिंग। टिकट मिल चुका है, चेक इन हो गया है, अब हम चलेंगे आगे की तरफ। हम हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे, चेकिंग हो चुकी है एवरीथिंग। इतनी चेकिंग हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे पास कुछ गलत सामान नहीं है। इस लेवल की चेकिंग हो गई है और हम लोग समय से कुछ 3 घंटे पहले यहाँ पहुँच चुके हैं अपनी फ्लाइट से। मतलब हमें लगा था भीड़ होगी बट आज थी नहीं इतनी भीड़, अदरवाइज हमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता चेक इन करने में। और अब हम करेंगे कुछ ब्रंच, बैठते हैं कहीं आसपास और ब्रंच करते हैं। तो हम तो समय से बहुत देर पहले आ गए, हम बैठे हुए इधर, कल रात की आधी बची हुई मूवी भी देख ली, अभी भी टाइम नहीं हुआ पूरा, बैठे हैं बोर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये आ गया अपना प्लेन, आके खड़ा हो गया, इसमें फ्यूलिंग होगी और बेसिक काम होंगे तो फिर हम करेंगे सब बोर। हम बैठे हैं अपनी सीट्स पे, लास्ट में जाएंगे, एकदम लास्ट में। बोर्डिंग द प्लेन, पंकज साहब भी आ चुके हैं,
We'll head towards Noida. हाँ बहुत ही कम ऐसा लग रहा है, सर पे टकरा जाएगा। इधर है वॉशरूम, वॉशरूम चलते टाइम आ रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं बैग्स का, समय लग रहा काफ़ी। तेरा तो सबसे स्ट्रेंज होगा बैग, वैसे दिख जाएगा। हाँ मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। हम लोग को थोड़ा स्ट्रगल हुआ बिकॉज कॉमन बैग्स मिल सकते हैं, तेरा जो बैग है ना एकदम स्ट्रेंज ट्रैकर वाला वो वैसा नहीं है। मानो के बैग में ऐसा लगता है चार पांच लाशें पड़ी हुई वो ऐसा बैग है। वीडियो है नाइट मोड करना चाहिए उसमें। श्रीनगर हम कन्वेयर नंबर 5 में घूम रहे थे बट ये 6 में घूम रहे थे। अब चलेंगे एग्जिट। अब हम लोग जाएंगे मेट्रो में। सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीनगर को जैसा डिपिक्ट किया जाता है मूवीज़ में, जैसा हमें बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, वो जगह खुद बहुत सुंदर है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो जो न्यूज़ में हमें दिखाते हैं, हम भी पहले जब गए तो हमें भी थोड़ा खौफ सा हो रहा था, लेकिन वहाँ पहुँच के जब लोगों से मिले और दो चार दिन स्पेंड किए तो अपनापन सा लगने लग गया। सब कोई टेंशन ही नहीं। और एक बार श्रीनगर ज़रूर जाइए, बहुत प्यारी जगह है, मज़ा आ जाएगा। कश्मीर, कश्मीर जैसा दिखाते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सुंदर जगह, लोग बहुत सुंदर हैं। सो एज आई सेड, पिक्चर अभी बाकी है। मैं पहुंच गया हूँ उत्तराखंड और अब मुझे जाना है रौसिला। और यहाँ टूट चुकी है रोड, मतलब पूरा पहाड़ खिसक गया है। इस वजह से दो ट्रांसपोर्टेशन चल रहे हैं, कि यहाँ से थोड़ा ऊपर तक, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक और उसके बाद वहाँ से दूसरी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। जो पहाड़ टूटा है वो ये है सामने, ये पूरा रोड था इसके नीचे जो कि अब गायब हो गई है। तो बस हम भी इसी एडवेंचर में शामिल होते हुए चल पड़े हैं और मुझे ज्वाइन कर लिया है अभी नौ में। ये है गोला नदी, आगे से हमें देखना पड़ेगा ऑटो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो 3 किलोमीटर के हाइक हो जाएगी पूरी पूरी। पहुँच तो गए बैरिकेड पर, यहाँ पे ऑटो नहीं है। अब या तो हमें ये वाला शॉर्टकट लेना चाहिए या वाया रोड जाएंगे, समझ नहीं आ रहा। अपनी स्कूटी खड़ी है ऊपर और उसमें तेल नहीं था तो हमने तेल भी ले लिया है, रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के कि बॉटल में तेल दे दो प्लीज़। रोड तो बन तभी तो पैदल गाड़ी खड़ी है ऊपर। हाँ हाँ वो आ नहीं रहा ना पर कोई इधर तो आराम से पैदल यहीं पे निकल जाओगे। हाँ दूर तो नहीं है, 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर ये वाला ना, ना ना इससे तो आपको चढ़ाई पड़ेगी, यहाँ से रोड ही रोड जाओगे पता नहीं चलेगा। आराम आराम से जाओ, यहाँ से लेंगे ये लोग 50 रुपये। अब ये यहाँ से 10 मिनट लगते हैं। पैदल चलते हैं, हाँ वहीं पे ना जहाँ पे टूटा हुआ है। हाँ तो चलिए यहीं से, यहीं से चलें। तो हमने चूज़ किया है ये वाला रास्ता, हम यहाँ से चलेंगे ऊपर को क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चल पड़े हैं हम हाइक पे, जहाँ से ऑटो मिलने की उम्मीद थी वहाँ से भी नहीं मिला ऑटो। अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं, इसके बाद भी पैदल पैदल जाना है। बहुत टाइम बाद पसीने निकले,
क्योंकि श्रीनगर में तो ऐसा ट्रैक ट्रुक कुछ किया नहीं, और आज यहाँ के निकल रहे हैं पसीने बढ़िया। अभी हम आधे रास्ते में पहुँच गए हैं, शायद पक्का नहीं कह सकते कुछ, शायद पहुँच गए। लैंडस्केप तो काफ़ी प्यारा है, लंबे लंबे पेड़, What an epic conclusion. अभी तो एक चढ़ाई और बाकी है मेरे दोस्त। ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले रोड में, 10 मिनट लगे करीबन करीबन। यहाँ पे गंदगी भी बहुत है इस रास्ते में, क्योंकि लोकल आदमी इस्तेमाल नहीं करता और टूरिस्ट आके यहाँ गंदा कर जाते हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ तक अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, फिर यहाँ से पैदल जा रहे हैं। तो ये हुआ करती थी रोड, यहाँ पे आ गया पूरा पहाड़। और इवन मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ पे ये रोड भी बहुत ऊपर थी, वो बहुत नीचे तक खिसक चुकी है ऑलरेडी। यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि पूरा पहाड़ आ गया। एक टाइम पर हम यहाँ से आराम से अपनी स्कूटी में बैठ के निकल जाया करते थे, और आज यहाँ के हाल बहुत बदहाल हैं। 10 दिन हो गए हैं, कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, पता नहीं क्या चल रहा है। और कब तक ऐसे ही लोगों को यात्रा करनी पड़ेगी पैदल, फिर वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये कोई नहीं। वो देखिए पिकअप का टायर भी जा रहा है, एक ऊपर कहीं पंक्चर हुआ होगा तो ऐसे बना के अब कंधे पे ले जाएंगे इसको। तो ये है ग्रामीण क्षेत्र में रहने का एक दुष्प्रभाव कह सकते हैं जिसको, कि जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। और गांव वालों की सब्जियां सड़ रही हैं, दुनिया जमाने की चीज़ें हो रही हैं, बट अभी तक 10 दिनों से कोई ठोस निर्णय यहाँ पे नहीं लिया गया। तो देखिए कब तक चलता है ऐसे।